नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। एसडीओपी सुरेश पाल ने दी जानकारी। पवित्र नगरी मुल्ताई में पोला तक गणेश स्थापना को लेकर शांति समिति की बैठक थाना परिसर मुल्ताई में ली गयी, जिसमे व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गयी। जिसमे जिस मार्ग से मूर्तियाँ निकलती है उस मार्ग पर अतिक्रमण होता है, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और दुकानों के सामने पाल बंदे होते हैं, जिससे मूर्तियों को निकलने में परेशानियां होती है। उसको हटाने से लेकर ऊपर बिजली की तारों की व्यवस्था करने का कहा गया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गणेश साहू ने कहा कि तीजा एवं ऋषि पंचमी में सैकड़ों की संख्या में ताप्ती तट पर माता बहिनें पूजा पाठ करने एवं स्नान करने आती है, जिसको देखते हुए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने का कहा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री गगन साहू, बजरंग दल प्रखंड संयोजक भूपेश साहू, बजरंग दल प्रखंड महाविद्यालय प्रमुख रितेश प्रजापति, कृष्ण पनवार सहित लोगों ने कहा कि जब मूर्तियां निकलती है तो ऊपर बिजली की तार टकराते हैं, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जिसकी व्यवस्था की जाए। तीज एवं ऋषि पंचमी पर माता बहनों की संख्या ज्यादा होती है और आवारा तत्वों के लोग जो आते हैं उन पर नजर रखी जाए और इनको रोका जाए। ताप्ती तट पर अंदर पब्लिक में जाने न दिया जाए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एसडीओपी सुरेश पाल सिंह ने कहा कि आपकी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा एवं पूरी व्यवस्था की जाएंगी। इस अवसर पर नगर के स्वयंसेवी संगठन, पत्रकार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवारे की रिपोर्ट।